आगे बढ़ेंगे और हम आपको बता दें कि इमरान खान की गिरफ्तारी और हिंसा के बाद से ही पाकिस्तान में सियासी बवाल मचा हुआ है और शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली सरकार विपक्षी दल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखिया को संभालने का कोई मौका नहीं देना चाह रही है और इसीलिए एक के बाद एक लगातार इमरान को बड़े झटके देने में लगी है और अब शहबाज सरकार इमरान खान को सबसे बड़ा झटका देने वाले हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की माने तो जल्दी शहबाज सरकार इमरान की पार्टी पीटीआई को बैन कर सकती है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बीती रात 9 मई को सैन्य प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों में पीटीआई का हाथ था, उससे जुड़े लोगों ने देश भर में कई जगह पर हिंसा और आगजनी की थी, लिहाजा उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 9 मई को पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में हुई हिंसा के बाद से इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार इमरान की पार्टी के नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं। आज इमरान के करीबी और पीटीआई कोर कमेटी के सदस्य असद उमर ने भी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, जिसकी जानकारी असद उमर ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। इससे पहले इमरान के सबसे करीबी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री फवाद चौधरी ने भी पीटीआई को अलविदा कह दिया। पूर्व मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी और पंजाब के पूर्व मंत्री फैयाजुल हसन चौहान ने भी इमरान खान की पार्टी से किनारा कर लिया है और अब पीटीआई छोड़ने वाले नेताओं की तादाद करीब 3 दर्जन तक पहुंच गई है। और दिल्ली से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए मनीष शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनीष, इमरान खान की मुश्किलें मुझे नहीं लगता कम होने का नाम ले रही हैं और सरकार से तो वो लड़ लें अगर उनकी टीम इमरान मजबूत हो, यहाँ तो उनकी टीम ही बिखरती जा रही है, लगभग 36 लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं। बिल्कुल शोभना, देखिए ये पहले से माना जा रहा था क्योंकि उनकी लड़ाई इस वक्त सीधे इमरान खान की जो लड़ाई हो रही है पाकिस्तानी सेना से हो रही है और पाकिस्तान में सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी सेना जो चाहती है वो करती है। यहाँ जो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले भी आसिम मुनीर जो हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि जिन लोगों ने उनके कैंट के मिलिट्री स्टेशन पर हमला किया पीटीआई के जो वर्कर्स थे, ये ऐसा हमला जो नुकसान हुआ कभी भी पाकिस्तान के दुश्मन ऐसे नुकसान नहीं कर पाए, यानी तभी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी कि जो भी शामिल थे उनको एक एक करके पकड़ा जाएगा, उनके ऊपर देशद्रोह के केसेस लगेंगे और जिन लोगों को चाहे फवद की आप बात कर ले या कई उनके पीटीआई के जो बड़े नेता हैं उनको पाकिस्तान आर्मी ने समझाया होगा ऑब्वियसली कि देखिए आप पे ये केस लगाने जा रहे हैं और उनको वो डर गए होंगे, उनको लगा होगा कि आने वाले टाइम में उनको जेल होगी। और अभी जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो एक लेटेस्ट इनपुट्स आ रहे हैं कि इमरान खान समेत 80 लोगों को पाकिस्तान में नो फ्लाइंग लिस्ट में डाल दिया गया, यानी ये अब देश से बाहर नहीं जा पाएंगे, यानी धीरे धीरे पाकिस्तान आर्मी आपका और इस समय बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि इमरान खान समेत 80 लोगों पर रोक लगा दी गई है कि अब वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा पाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा कदम शहबाज सरकार के द्वारा उठाया गया है। Z News.